लखनऊ चलेंगे सीधा, जहां पर मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा मौजूद हैं सपा दफ्तर के बाहर से। शैलेश दिखाइए क्या हलचल बढ़ी अब जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है मतगणना का। बिल्कुल, देखिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो कार्यालय आप गेट देख सकते हैं, वहां पर गेट बंद है, वहां सन्नाटा दिख रहा है, सिर्फ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं कार्यालय के ठीक सामने एक ये चाय की दुकान है जो खुली है और लोग सुबह सुबह यहाँ पर चाय की चुस्कियों का भी आनंद ले रहे हैं। और चर्चा यहाँ पर भी यही कि आखिर होने क्या वाला है, सरकार किसकी बनने वाली है। लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आप? भाई मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक खान है। इश्तियाक साहब ये बताइए भी, आप लोग हम देख रहे हैं चर्चा करें, क्या लगता है क्या होने वाला है आज 8 बजे से काउंटिंग? भाई काउंटिंग तो हो रही है लेकिन उम्मीद तो भाई हम लोग यही लगा के रखें कि शायद से अखिलेश यादव की सरकार आएगी और जिस हिसाब से पोल आ रहा है अब उसका भी रिजल्ट सामने आपके आ ही जाएगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चाय वाले भाई साहब हैं ये भी चाय का आनंद ले रहे हैं खुद भी। ये बताइए आप तो सपा दफ्तर के सामने लगाते दिन भर, नेताओं का भी बड़े बड़े जमावड़ा रहता है, क्या लग रहा है माहौल अब की बार? बदला तो होगा, अखिलेश यादव आए बदला होगा। बड़ा सन्नाटा है, नेता लोग तो आए नहीं अभी। तो नेता लोग आएंगे, वो तो वहाँ है ना, मशीनें रखा रहे हैं ना। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? अमर मलिक। ये बताइए क्या लगता है आपकी बार काउंटिंग भी होने वाली, कौन 300 पार? अखिलेश जी आ रहे हैं बिल्कुल, 300 पार। जी जी बिल्कुल, अखिलेश जी आ रहे हैं 300 पार। एग्जिट पोल में तो कम दिख रहा नहीं? वो नहीं, वो सब गलत है, वो सब गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बताएं ना। मेरा आलम नाम है। आपको क्या लग रहा है क्या होगा आज? होना क्या साहब, इसमें भैया की लहर चल रही है इसमें। अच्छा, नेताओं की तो धड़कने बढ़ी है, आप लोग वोटर हो, आप लोग की भी धड़कने कुछ बढ़ी है कि नहीं? थोड़ी बहुत तो हर इंसान की धड़कने रहती, क्योंकि आज का रिजल्ट का दिन होता है तो आदमी सोचता है कि चलो आज बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। रात में नींद आई थी भाई? फिक्र रहेगी थोड़ी बहुत तो, नींद तो हमेशा हलचल रहती, नींद इतनी रही। आपका नाम? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन साहब आप बताएं, नींद आई थी बढ़िया रात में या सोचते थे? बिल्कुल बहुत बढ़िया नींद आई। क्या लगता है कौन आएगा? परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन? बहुत से परिवर्तन होगा, सरकार चेंज होगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मायूसी। मायूसी लग गया, अभी तो वहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद यहाँ पर भी होगी। आपका नाम भैया? दीपू। आप बताएं क्या लगता है, ये लोग कह रहे परिवर्तन होगा? अखिलेश भाई आएंगे, अखिलेश भाई जीतेंगे। अखिलेश भैया जी जीतेंगे पक्का? अखिलेश भाई क्या बताइए? विकास के मुद्दे पे जीतेंगे असल भैया, विकास के मुद्दे कहती है सबसे ज्यादा। नहीं, विकास के मुद्दे पे जीतना है अखिलेश भैया। 300 पार सीटें आ रही है, अखिलेश भैया के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अखिलेश भैया ने।